नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मास्टर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे पास एक मीटर आया है जो कि विजय सिंह राणावत जी ने भेजे हैं मुझे, जो कि राजस्थान से हैं। तो ये delivery.com से आया है, तो इसमें क्या इशू है हम लोग आज इसको खोलेंगे और उसको सही करके देखेंगे कि इसमें क्या इशू है और ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है। क्योंकि इस टाइप का मीटर में आप लोग देखे होंगे शायद, जो भी इशू होता है वो पानी की वजह से होता है, ज़्यादातर पानी की वजह से ही होता है। क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो ऐसा डिज़ाइन है कि जो ट्रिप बटन होता है वो टूट जाता है, या किसी किसी ने निकाल लेता है, किसी वजह से वो टूट जाता है, जिसके वजह से उसके अंदर से पानी घुसता रहता है। और वही पानी बाद में क्या करता है कि जो PCB होता है या जो कंपोनेंट होता है, अंदर का कंपोनेंट, उसको डैमेज कर देता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरा एड्रेस है ऊपर और नीचे राणावत जी का एड्रेस है जिन्होंने ये मीटर मुझे भेजे हैं। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, अगर कोई मुझे भेजना चाहता है तो इसी एड्रेस पे आप लोग मुझे भेज सकते हैं। तो ये पैकिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से की है, तो चलिए इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये मीटर में क्या इशू है। तो चलिए पहले इसको खोल लेते हैं, क्योंकि अब जब भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई लोगों को कि जो भी मीटर भेजना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट के जरिए मीटर आता है, तो कहीं पर टक्कर वक्कर लग सकता है। तो अब जब भी मीटर को भेजें तो थोड़ा बहुत पैकिंग उसमें खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि जो लोग कुरियर करते हैं, कुरियर कंपनी, वो तो पैकिंग करेगा, लेकिन आप खुद से अगर पैकिंग अच्छी तरीके से करेंगे तो आपका जो परेशानी रहेगी रास्ते में, जो भी ट्रांसपोर्ट में आने के टाइम में कोई गिर जाता है या किसी भारी चीज़ उसके ऊपर रख दिया जाता है, तो उस टाइप का इशू आपके मीटर के साथ नहीं होगा। ठीक है ना, अगर आप पैकिंग कर लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि वो पैकिंग आपका मीटर को बचाएगा। ठीक है ना, तो खुद से थोड़ा पैकिंग कर लीजिए, क्योंकि आपका सामान है ये, आपके पास सही सलामत पहुँचे, ठीक से पहुँचे, वो बड़ी बात है। और अगर आप पैकिंग करते हैं तो जो कवर वगैरह है, स्क्रैच नहीं आएगी, टूटेगी नहीं, ये सब चीज़ आपको आपके मीटर को बचाएगी। तो थोड़ा पैकिंग अच्छी तरीके से कीजिए भेजने से पहले, उसके बाद आप भेज दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबको गुजारिश करूंगा, सबसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, और जो नए भाई लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं आपके लिए हर वक्त लाता रहता हूँ। और नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देख सकते हैं आप, मीटर में ऑलरेडी छेद है, मतलब इसका जो ट्रिप का बटन है वो टूटा हुआ है। ये बहुत कारण से टूटता है, जैसे कि आप ख़राब हो, मतलब पुराना हो जाने पर अगर जो मेल्ट हो जाती है, इसके वजह से भी टूटता है। अगर आप गाड़ी कहीं पर खड़ी करते हैं, जो कोई लोग गाड़ी में बैठते हैं, बैठने के बाद वो आपका स्विच हो गया, आपका मीटर का बटन हो गया, इसके साथ छेड़खानी करते रहते हैं, तो इसके वजह से भी वो लोग तोड़ के उसको वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये परेशानी रहती है ये मीटर में। ठीक है ना, तो ज़्यादातर मीटर आप देखेंगे तो उसमें पानी कहीं से भी नहीं घुसेगा, पानी घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि ट्रिप का बटन है। ठीक है, तो इसका स्क्रू जो है मैंने खोल लिया है, अभी हम लोग इसको खोल के इसका PCB को देखेंगे कि इसमें इशू क्या है। क्योंकि ये मीटर पहले मतलब चालू ही था और कुछ दिन बाद ये डेड हुआ, तो जैसे कि इनका इसका जो ओनर है वो मुझे बोले थे, तो वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा ही इशू था। मतलब ये लगभग एक महीने पहले ठीक था, लेकिन एक महीने बाद ये जब बारिश का सीजन चला तो उस टाइम में ये डेड हो गया। तो ये रहा इसका नीलिल, नीलिल को हटा लेते हैं। और ये स्क्रू को चाहे तो आप खोल सकते हैं, नहीं खोलने से भी ये खुल जाएगा, PCB से अलग हो जाएगा, लेकिन खोलने से अच्छा रहता है, क्योंकि कहीं पर अगर मीटर गिरता है या कुछ आपका औजार गिर जाता है तो इसमें स्क्रैच लग सकता है, तो इसको हटा देने से अच्छा रहता है, ताकि मीटर का जो डायल है वो सही सलामत रहे, उसमें कोई स्क्रैचेस वगैरह ना आए। ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं, ये कोई खुला था इसको, मतलब कोई भाई इसको खोल के शायद देखा था अंदर क्या है, तो इसलिए इसका क्लैंप जो है वो खुला हुआ है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इसको खोल लेते हैं, नहीं तो आप
प्लायर की सहायता से इसको थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, इसका जो फोर लेग होता है तो वो ये खुल जाएगा। और ये एक छोटा सा स्क्रू यहाँ पर दिया होता है पीसीबी को माउंट करने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए डायल के साथ, तो इसको भी हम लोग खोल लेते हैं। और वीडियो में थोड़ा वॉइस मेरा रफ रहेगा क्योंकि तबीयत थोड़ा मेरा ख़राब है, तो इसके लिए अगर वॉइस में कुछ मतलब आपको दिक्कत हो, मतलब दिक्कत होएगी आपको, अगर दिक्कत हो रहा है मतलब बोलने के टाइम पे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब होने की वजह से वॉइस थोड़ा रफ़ हो गया है मेरा। ये देख सकते हैं आप, ये पीसीबी है, ये डिस्प्ले को हम लोग साइड कर देते हैं और फिर इसको टेस्ट करके देखेंगे। क्योंकि जब भी आप पावर देंगे, पावर देने से पहले एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई शॉर्ट कंपोनेंट होगा और आपने उसमें पावर दे दिया तो जो भी अच्छा कंपोनेंट बचा होगा वो भी ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए पहले आप थोड़ा मतलब जो प्राइमरी पावर सप्लाई है उसको थोड़ा टेस्ट कर लीजिए मल्टीमीटर की सहायता से, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो पावर देने के टाइम पे। अगर वो शॉर्ट होगा तो आप उसको पहले रिप्लेस कीजिए, उसके बाद आप उसमें पावर दीजिए। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा 350 एक साइड में और एक साइड में 500 के आसपास रेजिस्टेंस बनता है कंटिन्यूटी में। सॉरी, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या परेशानी है आगे थोड़ा बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या परेशानी है। इसको रिवर्स में भी हम लोग चेक करेंगे क्योंकि रिवर्स में भी ये काम करता है और रिवर्स में भी ये सही है, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पावर दे सकते हैं। लेकिन उसके आगे थोड़ा हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि जो चीज़ पावर बनाती है वो सारे चीज़ सही है या उसमें भी कोई फॉल्ट है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आईसी है जो पावर बनाती है, पावर मैनेजमेंट आईसी इसको भी बोलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका जो लैग है वो भी सही है, आउटपुट इनपुट जो रहता है, तो इसको भी आप लोग टेस्ट कर लीजिए ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ प्राइमरी सेक्शन में भी, सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अगर पावर सेक्शन में कोई फॉल्ट रहेगा, अगर आप पावर देते हैं तो ये कंपोनेंट जल सकता है और इसको असेंबल करना थोड़ा मुश्किल है। शायद किसी भाई को पता भी होगा और किसी भाई को पता भी नहीं होगा कि इसका इक्विवेलेंट क्या है। तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इस आईसी को, इस आईसी के ऊपर, आईसी नहीं था उस बोर्ड में तो मैंने एक इक्विवेलेंट आईसी उसमें इस्तेमाल कर दिया है, तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ताकि आपको भी आसानी हो जाए कि ये कैसे इसको असेंबल करके इसको सही किया जाता है। तो देख सकते हैं मैंने मीटर में पावर दे दिया है, लेकिन ये दो एलईडी ग्लो कर रही है, लेकिन ये जो निडिल ऊपर जाके नीचे आती है ये काम नहीं कर रही है, तो इसको हम लोग सही करेंगे। क्या परेशानी है उसको देखेंगे, क्योंकि बोर्ड बिल्कुल नया जैसा है, कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, तो इसमें क्या परेशानी है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए पहले इसको फिर से पावर ऑफ करके मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। और ये कंपोनेंट भी गर्म हो रहा है, यानी अंदर कहीं पर कोई भी सेक्शन में इसका वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहा है, जिसके वजह से ये जो ट्रांजिस्टर है, इसको थायरिस्टर भी बोलते हैं, एससीआर भी बोलते हैं, ये गर्म हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ रही है, शॉर्ट होने की वजह से ज़्यादा लोड पड़ रही है, जिसकी वजह से ये गर्म हो रहा है और ये ख़राब भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा देर इसको चलाएंगे या इसको ऐसे वोल्टेज दे के रख देंगे तो ये फूट जाएगा। ठीक है, और प्रोसेसर भी हल्का गर्म हो रही है, हल्का गर्म मतलब कुछ दिक्कत नहीं है उसमें, अगर ज़्यादा गर्म होता तो आप समझ जाइए कि प्रोसेसर में कोई फॉल्ट है। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम लोग इसको टेस्ट कर लिए, ये सही था। और इसके आगे थोड़ा हम लोग टेस्ट करेंगे कि हाँ वोल्टेज यहाँ से जो निकल रहा है वोल्टेज, वहाँ पर कुछ दिक्कत है या वैसे ही सही है, सीधा प्रोसेसर के सेक्शन में जो पावर सेक्शन होता है प्रोसेसर के लिए वहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा हम लोग रास्ते में इसको चेक कर लेते हैं। और ये भी गर्म हो रहा है और इसके परेशानी क्या है, इसके वजह से क्या इशू होता है मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत बहुत सारे भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि एक इशू के ऊपर कमेंट करते हैं, वो इशू क्या है मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। ये ऑसिलेटर, ऑसिलेटिंग मतलब इसको क्रिस्टल बोलते हैं, ऑसिलेटिंग क्रिस्टल बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये आपको हर डिजिटल मीटर हो गया, आपका बाइक का मीटर हो गया, आपका इलेक्ट्रिक का मीटर हो गया, जहाँ पर डिस्प्ले लगता है वहाँ पर इसको आप इसको मतलब आपको मिलेगा ये चीज़ लगा हुआ वहाँ पर, क्योंकि ये एक आईसी जो होता है ये टाइमर आईसी रहता है, तो इसको पल्स पल्स रेट वोल्टेज की ज़रूरत होती है,
नहीं तो यार स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसको जो पल्स रेटेड ऑसिलेटर भी बोलते हैं, ठीक है, और पल्स रेटेड ऑसिलेटर क्रिस्टल, ठीक है ना। ये आपको स्टील में मिलेगा जैसे कैपेसिटर होता है, और इस टाइप का भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट सर्किट में आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑसिलेटर मिलेंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले हम ये जो रेजिस्टेंस है, जिसको आप फ्यूज भी बोल सकते हैं, ये ज़्यादा लोड पड़ने से ये ख़राब भी हो सकते हैं, तो इसको थोड़ा हम लोग टेस्ट करेंगे कि इसमें वोल्टेज कितना बाईपास हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 342 का रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि इसका जो नंबर है वो सेम टू सेम नंबर है, सारे एक ही नंबर का यूज किया गया है। यहाँ पर थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि ये सीरीज में रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा कम मिल रहा है हमको, 116 के आसपास। लेकिन ये जो यहाँ पर आपको, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए आप यहाँ पर, आप देखिए इसमें जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस बहुत कम मिल रहा है। मतलब जितना कम रहेगा रेजिस्टेंस मतलब वो सही है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है मतलब वोल्टेज ड्रॉप होने की संभावना वहाँ पर रहती है। ये देखिए 60 के आसपास ये दिखा रहा है रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी 60 आ रहा है, मतलब ये तीनों बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम लोगों को ये दो में से एक को चूज करना है, ये जो दो रहा यहाँ पर, ये वाला एक है, इसके आगे एक है, तो इसको हम लोग टेस्ट करना है। तो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये 300 के ऊपर जा रहा है इसका रेजिस्टेंस, मतलब ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं जो अच्छा वाला है जिसमें वोल्टेज आपको मैंने दिखाया था, वो देखिए आप, ये 60 के आसपास रहेगा, ये भी देखिए आप 60 के आसपास रहेगा, ये देखिए, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसको हम लोग, मतलब इसके ऊपर हम लोगों को डाउट है, तो इसको हम लोग हटाएंगे, और इसके बदले में आप जो जनरल रजिस्टर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास अगर नहीं है कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल सही है, मतलब इसमें फॉल्ट, मतलब ये फॉल्टी ही है, क्योंकि ये ज़्यादा रेजिस्टेंस जो बना रही है, इसका मतलब ही इसके अंदर वोल्टेज जब आप देंगे तो इसमें ही ड्रॉप हो जाएगा वोल्टेज, आगे जितना वोल्टेज जाना चाहिए वो वोल्टेज नहीं पहुंच पाएगा, नहीं छोड़ेगा। ये खुद भी गर्म होगा, उसके साथ जो SCR है लगा है, जो ट्रांजिस्टर लगा है, वो भी गर्म होता जाएगा, ठीक है ना। अगर आप गौर से इसको देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं है, अगर खाली आंख से भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको छेद मिलेगी। असेंबली जो कंपोनेंट होता है उसमें छोटा सा छोटा छोटा छेद हो जाता है, तो उसको अगर पहचान लेते हैं आप, तो आपको मतलब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा एक छेद होकर मेल्ट हो गया है ये साइड से, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है वो एक फिल्म से बनता है, जो एल्युमिनियम फिल्म रहता है इसके अंदर छोटा सा, तो वो मेल्ट होकर एक ही साथ ज्वाइंट हो जाता है, जिसके जिसके बदले ये जो रेजिस्टेंस कम करना है उसको बढ़ा देती है, ठीक है ना, और वोल्टेज को ये ड्रॉप कर देती है। तो चलिए इसको रिप्लेस कर लेते हैं, रिप्लेस करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा रिप्लेस आप करेंगे, और इसका जो नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर दिखा पाना कैमरे में, मोबाइल कैमरे में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि इतना तो जूमेबल नहीं है, ये इतना फोकस नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि बहुत छोटा कंपोनेंट है और नंबर भी दिखना मुश्किल है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है और इसका नंबर क्या है मैं आपको बता दूंगा। आप चाहे तो इसमें जनरल रजिस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी रजिस्टर हो, लेकिन नंबर सेम होना चाहिए, मतलब वैल्यू जो है सेम होना चाहिए। 42 किलो ओम्स का ये होता है, तो 42 किलो ओम्स आप कोई भी रजिस्टर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सेम वैल्यू निकालेगा। लेकिन जो जनरल रजिस्टर है वो कलर कोड के हिसाब से, मतलब आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो वैल्यू रहता है वो कलर कोड के हिसाब से रहता है। 5 बैंड रहता है, 3 बैंड रहता है, बैंड मतलब एक एक कॉलर जो रहता है उसको बैंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप जनरल रजिस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको वैल्यू सेम चाहिए, उससे मतलब नहीं कि वो बड़ा है या छोटा है, अगर आप एडजस्ट करके लगा सकते हैं तो बड़ा वाला भी यहाँ पर फिट हो जाएगा, लेकिन हमको आउटपुट जो है वो सेम चाहिए, वही चीज़ है इसमें, ठीक है। तो इसको भी पहले लगा लेते हैं, तो चलिए इसको लगा, और इसको निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अब जनरल सोल्डरिंग आयरन से इसको निकाल सकते हैं, ज़्यादा मुशक्कत करने की कोई बात नहीं है, मतलब इशू नहीं है इसमें।
आपको फिर से इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये आ नहीं रही है। आप देख सकते हैं इसमें फोकस कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका लिमिटेशन है, उसके ऊपर ही कैमरा फोकस नहीं कर पाएगा। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर आ जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये आ नहीं रहा है। चलिए मैं हथेली पे रख कर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नया है, फिर इसमें कोई छेद वगैरह नहीं है, लेकिन उसमें एक छोटा सा छेद था जो कि गर्म होकर ख़राब हो गया है, या कोई कंपोनेंट अंदर शॉर्ट है जिसकी वजह से ये ख़राब हो चुका है, तो इसके ऊपर ज़्यादा लोड गिर गया। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा मेल्ट हो गया है, ये निकल कर चला आया है, ये सिरेमिक फिल्म रहता है इसमें, इसके अंदर वही कैपेसिटर है ये। इसका बड़ा वर्जन भी है, हम लोगों को फ़ैन के रेगुलेटर में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, कोई बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक्स का किट रहते हैं उसमें ये उसका बड़ा वाला यूज होता है। वही सेम कंपोनेंट है, लेकिन इसको छोटे सा बोर्ड के लिए इसको डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो सेम टू सेम है। ये देख सकते हैं आप, ये बैठ गया है। अभी हम लोग थोड़ा इसको पावर दे के इसको टेस्ट करेंगे कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ है। तो चलिए इसको फिर से थोड़ा सोल्डर कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से इसको सोल्डर नहीं करेंगे तो जब मीटर आप कस्टमर को देंगे तो बाइक में मीटर लगेगा तो जर्क होगा, जर्क में से ये निकल सकता है। तो जो भी कंपोनेंट आप इस्तेमाल कीजिएगा उसको थोड़ा अच्छी तरीके से सोल्डर कीजिएगा, ताकि बाद में आपको कोई कंप्लेन ना आए आपके ऊपर कि हाँ आपने सही किया लेकिन वो सही नहीं हो पाया, फिर से वो दिक्कत कर रहा है। तो सोल्डर जब भी करेंगे तो थोड़ा अच्छी तरीके से कीजिए। तो चलिए इसको पावर देता हूँ, आप लोग देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें पावर देने से आप देख सकते हैं इसका जो निडिल है वो ऊपर जाके नीचे आएगा, और इको मोड भी ऑन हो गया है, और एक एलईडी इसमें ग्लो नहीं कर रही है, जो इंडिकेटर का होता है लेफ्ट साइड का, वो शायद कट गई है, उसको मैं बाद में चेक कर लूँगा, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि ये ख़राब भी हो जाती है, कट भी जाती है, तो उसको रिप्लेस करने से वो सही हो जाता है, ठीक है ना। अभी हम लोग इसमें डिस्प्ले को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि अगर निडिल काम कर गई इसका मतलब ये नहीं कि मीटर आपका सही हो गया। बहुत सारे केसेस में मैंने देखे हैं निडिल काम कर जाता है लेकिन डिस्प्ले में लेटर नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो धुंधला दिखाई देता है, ऐसा कुछ उसमें रहता है। तो इसको फाइनल टेस्ट करने के लिए आपको डिस्प्ले इसको साथ अटैच करना पड़ेगा, ताकि फाइनल इसको चेक किया जाए कि हाँ मीटर सही हो गया है। तो चलिए इसको फाइनल टेस्ट कर लेते हैं, तो इसको भी क्लैंपिंग करेंगे, ऐसे पकड़ के रखने से ये शायद काम नहीं करेगा, तो चलिए इसको मैं क्लैंप कर देता हूँ, उसके बाद फिर इसमें पावर देके हम लोग देखेंगे ये बिल्कुल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी भी एक कंपोनेंट के ऊपर मेरे को डाउट है, मैंने पहले वीडियो के पहले में भी आपको बता दिया था, क्योंकि वो भी हल्का गर्म हो रहा था, वो गर्म नहीं होता है, वो कभी भी गर्म नहीं होता है, वो कंपोनेंट गर्म नहीं होता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज 1.2 से ही वो ऑपरेट होता है, 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट के आसपास वो ऑपरेट होता है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं मीटर तो काम कर गया, लेकिन इसका जो डिजिट है, जो डिजिट आना चाहिए फुल डिजिट, वो नहीं आ पा रही है, इसमें डिजिट धुंधला धुंधला दिखाई दे रही है, और हाफ डिजिट भी आप बोल सकते हैं। ये देख सकते हैं ये डिस्प्ले के सेक्शन में जो कंपोनेंट मैंने आपको दिखाया था वो शॉर्ट हो चुकी है, जिसके वजह से जो पल्स रेटिंग वोल्टेज प्रोसेसर को जाना चाहिए डिस्प्ले के लिए वो नहीं पहुंच पा रही है। तो इसको हम लोग रिप्लेस करके देखेंगे कि ये सही होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इस टाइप का मीटर में आप देखेंगे बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि डिस्प्ले के ऊपर ही आते हैं, डिस्प्ले में डिजिट का प्रॉब्लम इसका रहता है, ठीक है ना। ये हो गया होंडा, ये होंडा का और हीरो का जो मीटर होता है, हीरो ग्लैमर हो गया, होंडा साइन हो गया, एसपी आपका जो साइन होता है उसमें जो डिजिटल मीटर इस्तेमाल होता है, इस सारे मीटर में इस टाइप का इशू रहते हैं। तो यहाँ से होकर ये डिस्प्ले को जाता है, और यहाँ पर एक छोटा सा रजिस्टर लगा होता है जिसमें जो डिस्प्ले को वोल्टेज देता है, आप देख सकते हैं वो भी ख़राब हो चुका है, और इसका नंबर है 102, ठीक है, 10 किलो ओम्स रहता है इसमें, ये आप देख सकते हैं, इसको अरे रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। अरे मतलब ये एक सीरीज में रहता है पैरेलली, काफ़ी सारे मतलब 4 रजिस्टर इसमें एक ही साथ रहते हैं, एक ही रजिस्टर में, ठीक है, आरए आरए रजिस्टर बोलते हैं इसको।
ये आपको डिस्प्ले, जहाँ में भी डिस्प्ले लगा होगा, कहीं भी मीटर हो गया, कुछ भी डिवाइस हो गया, डिस्प्ले अगर रहता है इसमें तो आपको वहाँ ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये फिल्टर होके डिस्प्ले को जाता है। तो क्रिस्टल आपने देख लिया, क्रिस्टल भी गर्म हो रहा है, और ये जो रजिस्टर है ये भी साइड से छेद हो गया है इसमें, मतलब तो ख़राब हो गया है ये। तो ये दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया है, ये देख सकते हैं, इसको मैंने हटा के रिप्लेस कर दिया, और ये वाला को भी हटा के रिप्लेस कर दिया है। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका नंबर जो था, इसका नंबर कंपनी जब इसको इंस्टॉल किया, इसका नंबर घिस के यहाँ से मिटा दिया गया, ताकि बहुत सारे मीटर में कंपोनेंट लगते हैं, और कंपनी जब बनाती है, अगर वो चाहती है कि इसको ये रिपेयरेबल ना हो, तो इसलिए वो क्या करती है, उसका जो नंबर रहता है उसको वो घिस कर, सैंड पेपर हो गया या कुछ धारदार चीज़ से घिस कर उसका नंबर मिटा देती है। आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता करना है तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, इसमें कितना वोल्टेज में ऑपरेट होता है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, अगर आपको पता है तो आप उसके अलावा कोई भी क्रिस्टल इसमें इस्तेमाल करके इसको चालू कर सकते हैं। तो चलिए इसको चालू करके देखते हैं, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नडिल तो काम कर रहा था, लेकिन डिस्प्ले भी हम लगा के देखेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार नडिल के साथ ट्राई करते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल काम कर रहा है। अभी हम इसमें डिस्प्ले को इंस्टॉल करेंगे। डिस्प्ले इंस्टॉल करने के बाद फिर इसको ट्राई करेंगे कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ है। तो चलिए डिस्प्ले को इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें। ये रहा डिस्प्ले, और इसका डिस्प्ले निकालना लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर पल्सर होता, अपाची होता, या और कोई जो पिन जिसको सोल्डर करना पड़ता है, 48 58 पिन रहते हैं, वो थोड़ा दिक्कत रहता है कि सारे को निकालो, डिसोल्डर करो, फिर से उसको लगाओ, ज़्यादा हड़बड़ी करेंगे तो ट्रैक टूट सकता है, और खींचेंगे अगर डिसोल्डर नहीं हुआ होगा, अगर आप खींच देते हैं तो पिन भी टूट सकता है डिस्प्ले का, तो उसमें ज़्यादा परेशानी रहता है। तो चलिए इसको पावर मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं डिजिट पूरा आ चुका है, ये देखिए पूरा डिजिट आ चुका है, और ये मीटर 2000 26000 के आसपास काम, मतलब स्टोर है इसमें, आप देख सकते हैं 2634, सॉरी 2000 किलोमीटर ये रन किया था ये मीटर, और इसका जो ट्रिप का है जो किलोमीटर है वो है 14,000 समथिंग, और जो ट्रिप का है वो 2000 के आसपास था उसका ट्रिप का। तो आप देख सकते हैं ये, इसको मैंने फिट कर दिया है, और जो रबर टूटा हुआ था उसको भी मैंने लगा दिया है, और ग्लू अभी सूखा नहीं है, फिर भी मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, फाइनल ट्राई। जो एलईडी कटा हुआ था उसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया, जो साइड में जो एलईडी था इंडिकेटर का, जो ग्रीन कलर एलईडी ग्लो करती है, और इसमें इको मोड भी है, इको मोड जब बाइक बाइक में फिट होगा तब तो इको मोड काम करेगी, पेट्रोल का जो सिग्नल है वो आता जाता रहता है, जब आप बाइक में फिट करेंगे तब पेट्रोल का सिग्नल काम करेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको पावर देके आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए ये दोनों एलईडी भी ग्लो कर गई, लेफ्ट राइट जो इंडिकेटर है, ठीक है। और ये रहा आपका डिस्प्ले, डिस्प्ले में आप देख सकते हैं रीडिंग है आपका 14,833 जो किलोमीटर चला है गाड़ी, 14,000 किलोमीटर चला है, और ट्रिप में 2,000 समथिंग था, जो कि मैंने जीरो कर दिया है इसको, ये आप देख सकते हैं। ये रबर भी मैंने नया लगा दिया ताकि इसमें दोबारा पानी नहीं घुसे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी एक नए वीडियो के साथ, किसी एक नए इशू के साथ। उस टाइम के लिए वीडियो को देखते रहिए, ऐसे ही लाइक करते रहिए, और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए आप, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ डार्क में कैसा लग रहा है ये, क्योंकि इसका जो एलईडी था वो वाइट एलईडी था जो ख़राब हो चुका था, तो मेरे पास वाइट एलईडी नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको रेड एलईडी उसमें डाल दिया, वो भी अच्छा लगता है, पल्सर जैसा लुक आता है, क्योंकि अगर आप ग्रीन लगाएंगे, ब्लू लगाएंगे तो आंखों में वो चुभेगी, जब गाड़ी आप चलाएंगे डार्क में तो आंखों में ये चुभेगी, ये आप देख सकते हैं। इसको भी रिप्लेस कर दिया मैंने, सारे जो एलईडी थे उसको चेक करके, ये इको मोड का एलईडी है, जब बाइक में फिट होगा तो ये इको मोड भी काम करेगा। तो ऑलमोस्ट वीडियो
में इतना ही था जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अभी आपके ऊपर डिसीजन है, आप वीडियो को कितना लाइक देते हैं और कितना शेयर करते हैं। अगली बार आपसे फिर से मिलूँगा किसी एक नए वीडियो के साथ। उस टाइम के लिए नमस्ते। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.